नमस्कार। इस बार संक्रांति पे जो है विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं तो इस बार संक्रांति को जो है वरियान योग, जो कि विवाह संबंधी मांगलिक कार्यों संबंधी योग है, वो इस बार पढ़ रहा है संक्रांति में। साथ ही साथ रवि योग पढ़ रहा है, जो कि लगभग 77 साल बाद पढ़ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ यदि मैं कहूं कि इसके साथ एक अमृत योग भी पढ़ रहा है, जो कि लगभग 110 साल बाद पढ़ रहा है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो इस बार की संक्रांति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से बहुत सारे योगों को लेकर आ रही है। शनि स्वग्रही होकर विशेष स्थान पर बैठा है, जो कि सभी के लिए मददगार होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस बार संक्रांति में जो वाहन है वो अश्व है और उपवाहन जो है वो सिंह है। यानी कि अश्व जो कि तेज गमन करता है और सिंह जो कि प्रभाव बनाता है। तो इस तरह से ये वर्ष जो है सभी के लिए तेजी से प्रगति करने का और प्रभाव को बढ़ाने वाला वर्ष होगा। और जहां तक संक्रांति की मैं बात करूं, सौर संक्रांति पे विशेष योगों जो कि त्रियोग मैंने जो बताया, उनका पढ़ना सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जहां तक विशेष रूप से, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि राहु और गुरु प्रधान नक्षत्र होते हैं, तो इस तरह से मैं कहूं कि जीवन में प्रगति, संपदा, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए ये वर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। संक्रांति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है।